नाबालिग छात्रा ने दबंगों व सौदे से परेशान होकर छोड़ी कक्षा 12 की पढ़ाई। हमीरपुर जनपद के कोतवाली क्षेत्र राड के ग्राम नदना बहपुर का है, जहां नाबालिग छात्रा ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले दो युवकों ने बीते माह की 25 तारीख को रात लगभग 8 बजे उसके घर में आकर उसके साथ अश्लील हरकतें की व उसके कपड़े भी फाड़ डाले। बताया कि जब उसने शोर मचाया तो उसकी माँ व उसकी बहन उसे बचाने के लिए आई तो उक्त दबंगों ने सभी के साथ मारपीट की, जिससे उन्हें शरीर में चोटें भी आई थी। किशोरी ने बताया कि घटना के वक्त उसने डायल 100 को सूचना देकर बुलाया था, जिस पर डायल 100 उक्त आरोपियों को कोतवाली रात लेकर आई थी, जिन्हें बाद में बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया गया। तकरीबन 25 तारीख की शाम को 8:30 बजे का टाइम था। उस टाइम पे दो तीन लड़की हमारे घर पे आई, जिनमें से एक लड़के अवनीश ने हमारे साथ बहुत ही बदतमीजी की, हमें पकड़ लिया, थोड़े कपड़े भी फाड़े और उनकी, और जब हम चिल्लाए तो हमारी मम्मी और हमारी दीदी हमें बचाने के लिए दौड़ कर आई, तो इस वजह से उसने हमें मारपीट भी की और मारपीट के दौरान हमें थोड़ी बहुत चोटें भी आई। हमारी मम्मी और दीदी के आने पर उन्होंने ललकारा तो वहाँ से वो लोग भाग गए, और उन लोगों के भागने के बाद वो हमें रोजाना परेशान करते हैं घर के बाहर आने जाने में, और हमें पढ़ने में भी बहुत दिक्कत होती है। मैं इंटरमीडिएट की छात्रा हूँ, इस साल मुझे पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, मेरा स्कूल जाना भी बंद हो गया है इसी वजह से। वो मुझे रोजाना परेशान करता है, गाली गलौज करता है, गंदे गाने यूज करता है, गंदी गालियाँ देता है। क्या हुआ, कोतवाली में तहरीर हुई थी? हाँ, हमने 100 नंबर डाल किया तो 100 नंबर आई और उसे थाने में ले गई, और उसके बाद फिर 4-5 दिन के बाद उसे छोड़ दिया गया और कोई सुनवाई नहीं की गई हमारी। और उसके बाद वो हमें छूट के आने के बाद वो हमें रोज परेशान करता है और स्कूल जाना हमारा बंद हो गया है। 4-5 लड़के आए थे घुस के, तो हमारी रुपया के साथ हमने गलत हरकत की, पकड़ के वो दौड़ के भाग गए। हम थाने गए तो उसने हमारी कोई सुनाई नहीं की, और 4-5 दिन बैठे रहे अब थाने में, और थाने से बस उनने छोड़ दिया, और छोड़ के आया तो अब वो फिर हमारी बिटिया को परेशानी, स्कूल नहीं जा पा रहे। बिटिया की तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, और विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे, जो भी नियमानुसार तथ्य आएंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।